फ्रेंड आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ मल्टीग्रेन आटा। या मल्टीग्रेन आटा हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर कहा जाता है कि हर रोज़ एक ही चीज़ नहीं यूज करनी चाहिए, दाल भी लेनी है तो जैसे कि कभी हुआ अरहर की दाल ले लिया, कभी हुआ मूंग की दाल ले लिया, कभी हुआ चने की दाल ले लिया, वैसे ही हम लोग को मल्टीग्रेन आटे में भी होता है। कभी हम लोग बाजरे की रोटी ले लिए, कभी हम लोग गेहूँ की रोटी ले लिए, कभी हो गया चने की रोटी हो गई। हम लोग को हर रोज़ बदल बदल के ही खाना खाना चाहिए, जिससे हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होती और हम फिट भी रहते हैं, उससे कोई नुकसान या कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर हम लोग एक ही चीज़ हर वक्त उसी को हरदम खाते रहते हैं तो उससे दिक्कतें आ जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रोज़ एक ही चीज़ नहीं खानी चाहिए, दाल भी लेनी है तो दाल भी बदल बदल के लो, रोटी भी लेनी है तो बदल बदल के लो। राइस भी खा रहे, कभी वाइट राइस खा लिया आपने, कभी ब्राउन राइस खा लिया, तो हर चीज़ को अपने उसमें बॉडी में हर चीज़ को उतारना चाहिए, हर चीज़ को लेना भी चाहिए। यानी है कि हर चीज़ इग्नोर किया जाता है, इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। अपने आप को फिट रखो, अपने आप को हेल्दी रखो। हेल्दी रखने के लिए यही है मल्टीग्रेन आटे में। हम लोग को एक ही दो चपाती खानी होती है, जिसको वेट लॉस पे रहना होता है, एक दो से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है। इसीलिए नुकसान तो नहीं कह सकते, नुकसान तो नहीं करता हर चीज़ हम लोग के लिए। जितनी भी चीज़ बनी हुई है, मसाले से लेके कुछ भी, हर कहीं कहीं वो यूज होती, कहीं कहीं हम लोग की बॉडी में ज़रूरत होती, हर चीज़ की ज़रूरत है। कहा जाता है केवल आरओ का ही पानी नहीं पिया जाता, हर चीज़ का पानी हम लोग क्या मोटर का भी सीधा पानी पीना भी चाहिए, हर पानी भी लेना चाहिए। ये नहीं है एक ही की चीज़ की आदत डाल लोगे तो अपनी बॉडी को फिर बाई चांस कहीं नहीं मिलता है तो बॉडी को प्रॉब्लम होने लगती है और दिक्कतें आने लगती है। इसीलिए अपने आप को फिट रखने के लिए हर चीज़ में ढालना भी चाहिए, उससे हमारी बॉडी भी फिट रहती है। और ये बहुत ज़्यादा लेट खाना भी नहीं खाना चाहिए, टाइम के हिसाब से अपने खाने को, अपने रूटीन को अपने अच्छे से फॉलो भी करना चाहिए। अपने आप को फिट रखिए भैया सब लोग, और समझने की कोशिश भी करिए रूटीन में कैसे कैसे हम लोग को लेना है, क्या क्या खाना है। कभी आप नहीं खा पाते हैं तो ऐसा करिए, फिर मल्टीग्रेन आटा बना लीजिए, उसको हर चीज़ उसमें मिक्स करवा लीजिए, सब कुछ चने हो गए, बाजरा हो गया और गेहूँ हो गया, सब कुछ आप उसी में मल्टीग्रेन आटे को बढ़िया पिसवा लीजिए, अपना बढ़िया हेल्दी रोटी, एक से दो रोटी ज़्यादा खाना नहीं है। राइस भी हम लोग को बहुत ज़्यादा लेना होता है तो हाफ कप राइस नहीं कहा जाता, हाफ कटोरी जैसे कहा जाता है, उसी बस उतने ही राइस हम लोग को भी लेना है। दाल ज़्यादा से ज़्यादा पियो, सब्जी भी ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, उससे हम लोग की कैलोरी भी कम होती है, कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा नहीं जाता, उससे हमारी बॉडी का वेट भी नहीं बढ़ता, हम लोग फिट भी महसूस करते, हेल्दी भी रहते हैं। थैंक यू।